क्योंकि चुनाव नजदीक है, खेसारी लाल भी कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? अरे नहीं भाई, पार्टी ज्वाइन अब आखिर दिनेश भैया अभी तो नहीं किए हैं, शायद मनोज भैया किए, रवि भैया किए और पवन भैया किए। होता क्या है ना कि देखिए, अगर हम बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो बाकी पार्टियों के लोग हमारी सिनेमा को नहीं देखते और हमसे कट जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम किसी दूसरे को मोहब्बत करते हैं तो आप अगर उससे दूरी बना लेंगे तो हम आपको मोहब्बत नहीं करेंगे। तो प्यार तो है लोगों का, लोगों के प्रति हमारी स्नेह है, तो हम जनता के हैं। किसी एक पार्टी के बनके मैं अपने जीवन नहीं चला सकता। आज मैं कुछ भी करता हूँ तो उसको एक दिन में 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन लोग देखते हैं, ट्रेंडिंग में गाने आ जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पे 3 नंबर पे हमेशा मैं ट्रेंडिंग में रहता हूँ। तो रीज़न उसका यही है कि खेसारी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं, इसने अपने पार्टी को या इसने अपने पार्टी अपने जनता को बना लिया। और हम कलाकारों के लिए वही बेटर है, क्योंकि अगर हम आज पवन भैया ही ज्वाइन किए तो उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। मैं जानता हूँ कि हमें सिर्फ यूज किया जाता है एक पार्टी के दम पे, यहाँ प्रचार करो वहाँ प्रचार करो, और उसमें हमारी पब्लिक कट जाती है। अब बिहार में होगा, पवन भैया बिहार के हैं, कहीं ना कहीं दिनेश भैया यूपी और बिहार से जुड़े हुए हैं, और मनोज भैया तो आज राजनीति के बादशाह हैं, रवि भैया बादशाह हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम कलाकारों को तो राजनीति से दूरी रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी मन में दुख तकलीफ होती है कि हमारी राजनीति के लोग। आज मैं एक इंटरव्यू देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं गाना गाया हूँ कि ठीक है गाना जो मेरा है, बहुत बड़ा वायरल हुआ है। मैं आज तक चैनल पे गया था, श्वेता सिंह जी, और वहाँ पे पंजाबी लोग थे, लेकिन सब बोले और पाजी ठीक है। तो मज़ा आ रहा था कि कम से कम हमारी भाषा को आज तवज्जो पंजाब के लोग भी दे रहे हैं, कई शहरों में विदेश तक उसको रिमेक किया जा रहा है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है, अपनी भाषा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश है कि ताकि हमें वो पद मिले, वो प्रतिष्ठा मिले जिसके काबिल हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत हुनर है हमसे दुनिया निकालना अगर जाने तो। तो कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करने से प्रॉब्लम तो होती है हमें, कि अगर हम कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नीतीश जी को करते हैं, चाहे किसी को भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लालू जी को प्यार करने वाले हमसे करते हैं। तो मैं सबको प्यार करना चाहता हूं और सब मुझसे प्यार करें, ये मेरी कामना है। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे लिए इंडस्ट्री में कुछ नहीं है तो मैं इस इंडस्ट्री को त्याग कर और मैं डायरेक्ट कहीं जाऊंगा और किसी पार्टी के साथ में मिलूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अभी तो बहुत सारा स्कोप है, मेरी उम्र आज 30 बरस की हो गई, तो अभी तो मैं 20 बरस तक है, जब सलमान खान 52 बरस में हीरो हो सकते हैं, तो मैं तो अभी 30 बरस का हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी स्कोप बहुत है मेरे पास, अभी मैं 15-20 बरस तक